बच्चे डे 15 का बायोमॉलिक्यूल का पार्ट टू है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर AIPMT के नीट के एम्स के पूछूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और 4 से 5 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में सॉल्व करके सेंड करने हैं। जैसे मैंने आपसे क्लास में बात भी की थी, बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोग ये 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो नहीं बनेगा तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे टाइप करेंगे, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के आपको सेंड कर दूंगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, ठीक है। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं एम्स 2010 में, जैसे ये देखो पूछा गया है लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, देखो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लैक्टोज इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज या अल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज जो है बच्चे वो डाइसेक्राइड की एग्जांपल है, डाइसेक्राइड शुगर है। तो आपने ध्यान देना है कि कौन कौन से मोनोमेरिक यूनिट से मिलके वो बना हुआ है। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये पाइरेनोज स्ट्रक्चर है। मोनोमेरिक यूनिट का मतलब क्या होता है कि ये एक रिंग है, ठीक है, ये मोनोमेरिक यूनिट का स्ट्रक्चर। ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं बन गया, ऐसे जैसे है ना, ये करके ऐसे ऐसे बन गया, ठीक है। इसका ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और एक कार्बन रिंग से बाहर होता है, ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ तो एक और इस साइड बन जाएगा ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन से यूनिट जुड़ के, मतलब जैसे हमारे पास, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका OH ऊपर है, इसका H नीचे है, और इसका H ऊपर है, इसका OH नीचे है कार्बन नंबर 4 पे। तो हमारे पास इनके बीच में, जैसे ये हमारा क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, और ये हमारा गैलेक्टोज आ गया, ठीक है, गैलेक्टोज आ गया। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मोनोमेरिक यूनिट हैं, ठीक है, किसके बच्चे, लैक्टोज के, ठीक है, लैक्टोज के मोनोमेरिक यूनिट हैं। तो इसका मतलब, अब आपको ये जो बीटा बोल रहा है ना बच्चे, तो बीटा का मतलब होता है कि OH की डायगोनल फॉर्म में पोजीशन होना कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 पे। बच्चे आप बात ध्यान में रखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे दो मोनोमेरिक यूनिट जब जुड़ेंगे तो इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी इनके बीच में, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो बीटा हम इसको इसलिए बोलते हैं कि इस पे क्या है, इसका जो OH है ना वो डायगोनल फॉर्म में, ये एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और O के बीच में ऐसे बॉन्ड बनेगा, ठीक है बेटा, ये बात समझ आई आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस, आपकी NCERT के ऊपर दूसरे वाले पेज पे ये टेबल बना हुआ है, सल्फर मैग्नीशियम कैल्शियम इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो आपको मैंने एक नमोनिक्स भी बताया था, है ना, नमोनिक्स क्या था, पिनाकली करके, आप लोग देखो ज़रा इसका नमोनिक्स। तो किसका ऑर्डर ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है, यही करेक्ट है आपका, बाकी वाले इनकरेक्ट है, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आता है, देखो 8th क्वेश्चन है, आपने ये डायग्राम देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाइड एलोंग विद द रिलेटेड फंक्शन, ठीक है। हमने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद रखना, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, R1, मतलब हमने उसमें देखा था कि 1 से 3 फैटी एसिड जो होते हैं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, 1 से 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब है एक ग्लिसरॉल 1G+1 फैटी एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड, 1G+2 फैटी एसिड क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड, 1G+3 फैटी एसिड क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास R1, R2 और R3 भी आपको कहीं दिखेगा, एक मिनट, R1 आ गया, ये R2 आ गया, ठीक है, और P R3 नहीं है इसमें, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ये हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर तो नहीं है। आपको याद रखना है दो फैटी एसिड किसके साथ, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। तो देख लो आप लोग यहाँ पर CH2 CH CH2, ठीक है। तो ये इतना सा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है और इसके साथ दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है और एक जब इसके साथ मिथाइल मतलब अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इनके साथ 3-methyl ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये आपका कहलाता है कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चे। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक ठीक है बच्चे। और ये आपका क्या कहलाता है, ये नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजीनियस बेस जिसको हम अमाइन ग्रुप कहते हैं। एक इसमें क्या होती है, 6-membered रिंग होती है और इसमें इसमें 3-membered 1, 2, 3 है ना, और 9-membered ग्रुप्स रिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्यूरीन का स्ट्रक्चर दिया है, प्यूरीन का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो आपको सॉल्व करने, ये AIPMT में 2011 में पूछा गया है, तो ये आपको आना चाहिए। तो अब आपका क्या काम है, आपको असाइनमेंट दे देता हूँ मैं बच्चे, आपने कितने क्वेश्चन करने हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप इसमें क्वेश्चन करोगे, जैसे मैंने आपको कितने 6, 7 और 8 कर दिए है ना, तो अब आपके पास रहते हैं 7 क्वेश्चन, 9, 10 और 1 to 5, 9, 10 मतलब 1 to 5 और 9, 10, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। थैंक यू बेटा।